हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल ट्रैक्टर एंड मैकेनिक आइडियाज़। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आपको बुलेरो की सापट दिखाऊंगा। सापट की झिरी चेंज करना है, तो ये बुलेरो का सापट है, ये खुल के गिर गया था। इसकी कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, और इसकी इसको यहाँ से कटिंग करके ये इसको नया वाला लगाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसको क्या है। कई मैकेनिक भाई लोग वेल्डिंग से झाड़ के भी लगा देते हैं, लेकिन इसका अलाइनमेंट जो है वो सही नहीं मिला पाते। इसको अलाइनमेंट सही मिलाने के लिए हमेशा शाफ्ट को लेस से ही कटिंग कराएं और अलाइनमेंट मिला के लगाएं। अगर अलाइनमेंट मिला के नहीं लगाओगे तो गाड़ी धड़धड़ाएगी, कई प्रकार का शिकायत हो सकता है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन के घंटे को दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। ये मैं इसको थ्रू कर लिया हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये शाफ्ट पूरी तरह कट गई है, और इस शाफ्ट को मैं अभी खोल के हथौड़ी से टोक कर झिरी जो कि चिलम को निकाल लूँगा। दोस्तों देखिए, ये चिलम निकाल लिया हूँ मैं, और ये नई चिलम इसमें लगा रहा हूँ। और इसको लगाने के लिए थोड़ा सा हथौड़ी से मुझे ठोकना पड़ेगा, क्योंकि ये लेस से बराबर नहीं जा रहा है। तो इसको ठोक के हथौड़ी से बैठा लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये शाफ्ट को मैंने बैठा दिया है, और अब इसको लेस से अलाइनमेंट मिलाकर, दोनों साइड अलाइनमेंट मिलाकर इसमें वेल्डिंग कर देंगे, और ये शाफ्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी।
Thank you.